हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन बहुत ही ख़ास है, क्यों ये आगे जाके आपको पता चल जाएगा। ये हमारे घर के सामने वाला पार्क है। आज सुबह में जब मैं सो के उठी हूँ तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ कि हमारा पार्क जो है वो बिल्कुल स्विमिंग पूल का मंज़र पेश कर रहा है। ये देख सकते हैं आप। अच्छा ठीक है, ये मैं आज के ख़ास दिन की तैयारी करने लगी हूँ। उसके लिए ड्रेस तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। उसके लिए मैंने ये मेकअप स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने अपने फेस पे ये फेस मिस्ट स्प्रे की। आप इसको लाजमी ट्राई करें गर्ल्स, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। इससे आपकी स्किन जो है वो मेकअप के लिए बड़ी अच्छी प्रिपेयर हो जाती है। आपकी फाउंडेशन ऐसे ग्लाइड करके लगती है कि आपकी तबीयत खुश हो जाती है। और ये आइवरी स्टिक लिया मैंने क्राइलॉन की, उससे मैं अपनी आईज़ को कंसील कर रही हूँ, आई बेस बना रही हूँ। इसके बाद ये मैंने न्यूट्रल सा एक शेड लिया है, ये मैं अपनी आईज़ को एक बेसिक कलर दे रही हूँ। आज मैं बहुत शोख मेकअप नहीं करने वाली, लाइट सा मेकअप करूँगी। ये मैंने अपनी क्रीज़ को प्रोमिनेंट किया ब्राउन कलर से। क्योंकि मेरे ड्रेस का कलर काफ़ी लाइट है तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरा बाकी मेकअप जो है वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करे, वो भी लाइट ही रहे। अब ये उसमें एक हल्का सा पर्पल कलर है, वो मैंने अपनी पूरी लिड के ऊपर स्प्रेड कर लिया। ये दो शेड हैं इसमें, लाइट वाला जो है वो मैंने इनर कॉर्नर पे लगाया और डार्क वाला जो है वो आउटर कॉर्नर पे लगा के उसको अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद उसके ऊपर मैं ब्लू कलर का शिमर अप्लाई किया। और अब मैं अपनी आईब्रो बनाने लगी हूँ। ये ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्रॉन्जर है, उसे मैंने अपनी आईब्रोज़ को शेप दी। आईब्रोज़ मैं दो चीज़ों से बनाती हूँ, एक मैं पाउडरी पैलेट से बनाती हूँ और एक ये वाला मेरे पास है ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्रॉन्जर है, ये लिक्विड में है, इससे मैं बनाती हूँ। तो बड़ी अच्छी एक नेचुरल सी लुक आ जाती है, क्योंकि पाउडर अकेला भी स्टे नहीं करता और ये वाली अगर लगाओ तो ये भी इतनी अच्छी लुक नहीं आती। और गाइस, मेकअप करते हुए मेरा फेस अजीबोगरीब से मुंह में बनाती हूँ, तकरीबन हर लड़की ऐसी ही बनाती है, तो प्लीज़ इग्नोर। अब मैं आईलाइनर लगाऊंगी बारीक बारीक बिल्कुल लैश लाइन के साथ। और आईलाइनर लगाने की एक ट्रिक ये भी है कि आप अपनी अगर लिड को पकड़ के स्प्रेड करके लाइनर लगाएंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। ये इस तरीके से थोड़ा सा वो रिंकली सा और थोड़ा मोटा सा लाइनर लगता है, जो कि मुझे पसंद नहीं है। अभी आप देखेंगे आगे कि मैं किस तरीके से अपने लाइनर को अप्लाई करती हूँ, वही तरीका है बेस्ट लाइनर लगाने का। उसके लिए मुझे अपनी पैलेट नीचे रख के और मुझे कैमरे में देख के इस तरीके से लाइनर लगाना पड़ा। ये देखिए आप, ये कितने अच्छे तरीके से लग रहा है। तो आप भी इस तरह से लाइनर लगाया करें, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने टर्कोइज कलर के लेंस भी अप्लाई किए हुए हैं। फॉल्स लैशेज मैं नहीं लगाऊंगी, सिर्फ दो मस्कारा लगाऊंगी। मैं ये दूसरी आंख के ऊपर लाइनर लगाऊंगी, वो मैंने लगा लिया। उसके बाद क्रेलॉन 36 नंबर से मैं अपने सारे ब्लेमिशेस को कंसील करूंगी। उसके बाद ये मैं अपनी फाउंडेशन लगाऊंगी लॉरियल की, पहले डॉट डॉट लगा लूँगी। उसके बाद मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसको मिक्स करूँगी। उससे पहले जहाँ जहाँ मैंने अपना फेस कंसील करना है वहाँ पे वही ब्रॉन्ज़र जो है उसको मैं फिंगर की मदद से लगा के सबसे पहले मैं अपना वाइटर वाला जो मैंने लगाई है फाउंडेशन उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। और ये देखिए, ये मैं एंड में जो मैंने कंटूरिंग की लाइंस खींची हैं उनको मैं एंड में ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि वो फिर सारे फेस में लग जाता है तो वो इफ़ेक्ट नहीं आता जो मैं चाह रही हूँ। ये एक ट्रिक भी है फेस को कंसील करने का, मेरे जैसे चबी फेस को। अब मैं ये दो मस्काराज हैं ये अप्लाई करूँगी, तो इसके बाद मुझे फॉल्स लैश लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि आज बड़ा ही ख़ास दिन भी है तो मैं उसके लिए तैयार हो रही हूँ। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं अच्छा सा एक न्यूट्रल सा मेकअप करूँ। अब ये बनाना लूज़ पाउडर है, ये मैं अंडर आई लगा लूँगी, इससे आईज़ क्रीज नहीं करती। जहाँ जहाँ मुझे स्वेटिंग होती है मामा पे मैं इसको लगा लूँगी।
अब मैं जो पर्पल कलर ऊपर लगाया था वो मैं ये हाफ अंडर आई पे वो लगाऊंगी। इससे आँख अच्छी बड़ी बड़ी और खुली लगती है। ये मैंने अपनी शर्ट पहन ली और लिपस्टिक लगाई है मैंने पिंक कलर की। उसके ऊपर जो मैंने आई शेड आँख पे लगाया था, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मोव सी लिपस्टिक चाहिए थी, तो यही आई शेडो जो है ये मैं अपनी लिपस्टिक के टैप टैप करके लगा लूँगी। ये भी एक टिप है, आप अपना लिपस्टिक का कलर जो भी आपके पास रिक्वायर्ड, अगर लिपस्टिक नहीं है तो आप इस तरीके से आई शेडो ऊपर लगा के आप अपना मर्जी का शेड बना सकती हैं। A few moments later, इस मेकअप की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए शूट की है। अगर आपको मेरी ये लुक अच्छी लग रही है तो गर्ल्स यू कैन कॉपी माय दिस लुक। बड़ा सिंपल सा मैंने मेकअप किया है समर के हिसाब से, क्योंकि कलर भी काफ़ी लाइट है, मूव कलर है, एथनिक का ड्रेस है ये। इसके साथ मैंने लाइट सा मूव सा मेकअप किया है, लिलिया के साथ कलर भी ऐसा ही है देखे ना, तो आई होप कि अच्छा लग रहा होगा आपको। मज़ा आया। ये है मेरी सिंपल सी और एलिगेंट सी लुक। A few moments later. खाना हमारा बाहर खाने का प्लान है। पहले हमारा प्लान हवेली जाने का था, लेकिन हमने स्टार्टिंग में देखा कि कितनी ज़्यादा बारिश की वजह से बाहर सड़कों पर बहुत ज़्यादा पानी है, तो ये हम अल नखल गए हैं। ये भी काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, इनका दजाजुल फहम है। ये सामने इनकी मेन्यू लगी हुई है, वो काफ़ी मज़ेदार है, तो हमने सोचा चले इसको आज ट्राई करते हैं। टेबल पर बैठना है, यहाँ बैठना है, यहाँ मज़ा आएगा वैसे भी, इट्स डिफरेंट है ना। हाँ इधर ही बैठ। खाना खाने के बाद जो कि बहुत ही मज़ेदार था, ये हम केक्स एंड बेक्स पे रुके। यहाँ से हमने केक लिया, घर आके हमने ये केक कट किया। तो ये है जनाब मेरी बर्थडे का वीलॉग। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, आपको मेरी वीडियो का मज़ा आया हो, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलती हूँ आपसे अपने किसी नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।